टाइम मुझे सब सच्चे दिल से दे दे तो मैं पढ़ दूं अली को। अच्छा सही है। तो मुसलमान को वारिस अलग नजर आता है और हिंदू को अलग नजर आता है, सिख को अलग नजर आता है, ईसाई को अलग नजर आता है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम बहुत दिनों के बाद रिएक्शन करने वाले हैं सैयद अमनुल कादरी साहब की वीडियो पे। इनकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बहुत सारी रिएक्शन करी हैं। रिसेंटली एक वीडियो हमें मिला है, एक भाई है जिन्होंने हमें ये रिकमेंडेशन दिया इस वीडियो के लिए। अली सबका बाप है। वो किसका बाप है भाई ये तो पता नहीं, लेकिन अली तो अली है। लेकिन ये पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। कुछ 15-16 मिनट की वीडियो है, होपफुली पूरा वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ, क्लियर हों। और आपके जो भी विचार हैं, आपको क्या लगता है क्या सब है, वो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। अगर 5 मिनट का टाइम मुझे सब सच्चे दिल से दे दे तो मैं पढ़ दूं अली को। अच्छा सही है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये पढ़ देना, क्योंकि मैं मुझसे लोग जरा फ्री बात करते हैं औरों की तरह, क्योंकि मैं खतीब अदीब पढ़ा लिखा आदमी नहीं तालिब इल्म हूं। अच्छा। तो हर आदमी मुझसे फ्री रहता है तो मुझसे लोग ऐसी ही बात कर जाते हैं। जैसे शायर लोग से कहते हैं ना, वो गजल जरा हीट हुई तो वो गजल सुना देना, वो गजल सुना देना, वो गजल। तो ऐसा ही हाल अपना भी हो गया, कहा जरा वो वहां बहुत अच्छा लगा तो वो पढ़ देना। हालांकि मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ नया भी तो सुनो, कहा नहीं वो सुनना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ेंगे। एक बात आपसे कहूं, अली कौन? कौन है अली? हिंदुस्तान में एक मोहरा है, शेतल बरेली शरीफ में भी शायद बोला जाता होगा। क्या बोला जाता है पता है? ये मौलाना इमरान है ना, ये नकीब है, अच्छे नकीब है। ठीक, इनसे कोई कहे तूने अब्दुल्ला की नकाबत सुनी मौलाना साहब, वो कहा चुप, वो अब्दुल्ला क्या नकीब है, मैंने आसिफ जमाली को सुना, वो नकाबत में उसका भी बाप है बाप। सुना कभी ये मोहरा? आप क्या बोलते कि नहीं, सैयद साहब बोलते कि नहीं? आपने सुने वो, आपने अब्दुर्रहमान नाम के मुकर्रर को सुना? अगर नहीं सुना तो सुना वो क्या तकरीर करता है। चुप यार, वो तूने सुना उसको, उनको मुफ्ती खुर्शीद साहब को, वो तो तकरीर में उसका ही बाप है बाप। अच्छा नहीं समझे? ये मावरा बोलते ही नहीं बोलते हैं। वो खाना पकाता है वो अब्दुल सत्तार, बहुत अच्छा खाना पकाया। चुप यार, वो क्या पकाएगा? वो उबैदुल्ला उसका भी बाप है खाना। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, बस समझे हैं, यही है ना। यानी वो उसका बाप का मतलब क्या, उसका अब्बा नहीं है, मतलब वो जो कुछ है उससे सिवा वो है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर मैं फिर कुछ लंबी करूं। समझे कि नहीं? समझ में आई? मावरा बोलते कि नहीं बोलते? एक क्या है मोहरा, बड़ा बताने के लिए, ये कुछ नहीं है, उससे बड़ा वो है जिसको मैं बाप कह रहे हैं। यही है ना, ऐसे ही है ना। चले ये कि यार शीतल का फुला जलसा बड़ा कामयाब रहा, और कहा तूने वो जलसा देखा जो मुफ्ती खुर्शीद और सैयद आसिम साहब इन सब बुजुर्गों ने मिलके कराया था, हजारों लोग थे यार, वो जलसा उसका भी बाप था बाप। क्या बाप? उससे ही बड़ा था, ये समझे? यानी वो हकीकत में बाप नहीं होता, बड़ा बताने के लिए होता है। ठीक ठीक है, ये बड़ा बताने के लिए होता है। लेकिन अगर बड़ा बताने के लिए भी हो और हकीकत में भी हो तो फिर इंसान कितना बड़ा हो जाए। है, 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 है। क्या बात है बहन, कितना। जैसे कोई कहे यार हुज्जतुल इस्लाम की क्या इल्मी सलाहियत थी, कहो चुप, आला हजरत उसके बाप हैं। सही बात है, ये अच्छी बात है। नहीं, इल्म में बड़े भी हैं और फिर खून का रिश्ता वाकई है तो फिर बात बड़ी होती है कि नहीं होती है, है ना। अब ये बेचारे बुजुर्गाने दिन मुझसे कहते हैं मुझ अली के मलंग से कि तू अली पढ़। तो मैंने कहा अच्छा, अब अली को मैं कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं? अभी तो सैयदा फातिमा को भी पूरा नहीं पढ़ सका लेकिन टाइम की किल्लत, मगर फिर पढ़ता हूं मौला अली को, लोग सुने गलत फहमी दूर करें। मैंने कहा क्या है यार अली, कोई बताए ना मुझे। तो किसी ने मुझे से कहा तू बताना क्या अली है। मैंने कहा चल कोई ऐसी हस्ती तो पेश कर जिससे तू मुतासिर हो, कोई ऐसी हस्ती ला जिससे तू मुतासिर हो। तो उसने मुझसे कहा
तूने सुना देवा में एक बुजुर्ग रहता है, 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 है। देवा में एक बुजुर्ग रहता है, उसको लोग वारिसे लेवा नहीं वारिसे देवा कहते हैं, और वो मुर्दा दिलों में जान डालता है, वो जो कह देता है वही हो जाता है। अब जरा साथ जुड़ के नजफ तक चलना होगा देवा से, तवज्जो। वो मुर्दों में जान डालता है, दिलों में जान डालता है, और फिर उसके पास हिंदू आकर उसे देख ले तो मुसलमान को वारिस अलग नजर आता है, और हिंदू को अलग नजर आता है, सिख को अलग नजर आता है, ईसाई को अलग नजर आता है। एक चेहरा है वारिस का और वो अलग अलग नजर आता है, और लोग कहते वो तो ये दिखता है, वो तो वो दिखता है, वो तो वो दिखता है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, लेकिन तू जानता है वो वारिस है, वारिस वो है, तुझे पता है? कहा हाँ, ऐसा है मेरे भाई अमीनुल कादरी कोई दुनिया में? मैंने कहा वारिस ऐसा है ना, लेकिन वारिस का पूरा नाम क्या है? वो वारिस अली है। अच्छा। तो जब वारिस ऐसा है तो अली उसका बाप है, बाप है, 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 ये है, क्या बात है, है। अली उसका, अली उसका बाप है। वो सुनने वाले को फिर इत्मीनान ना हो, उसने कहा रुक 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 रुक, एक ऐसा भी नागपुर में रहता है जिसे दुनिया ताजुद्दीन कहती है, और लोग तो उसको पागल समझ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन पागल समझ के जेल में डाला तो ऐसा वो ताजुद्दीन था कि अंदर जेल में भी नजर आता था, बाहर घूमता भी नजर। ओ बता अमीनुल कादरी, ऐसा कोई हो सकता है? मैंने कहा अली उसका भी। क्या बात अली उसका भी। जरा नस्ल उठा के देख, वो नस्ले अली है, अली उसका भी। का रुक रुक रुक, अब जल्दी चलते का रुक 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 रुक। महारेर में एक ऐसा है जिसका नाम शाह बरकतुल्ला, महारेर भी प्रेमी है, जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो परिंदे भी उसके साथ खुदा का जिक्र करने लगते हैं। है कोई ऐसा जो परिंदों को खुदा का जाकिर बना दे? मैंने कहा अली उसका भी। क्या बात, नहीं अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील पीर रहता है जिसको दुनिया सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन औलिया कहती है। अगर कोई ताना दे दे, कोई ताना दे दे, अरे मुर्शिद तो वो होता है जो पी मुरीद का हाथ पकड़कर खुदा से मिला देता है, अर्श की सैर करा देता है। है तेरे निजामुद्दीन में इतनी ताकत कि वो खुदा से मिला दे? कहा था खुसरो को, कहा था खुसरो को। मुर्शिद ने चेहरा पड़ा और पढ़ के कहा खुसरो क्या सोच रहे हो? का कुछ नहीं मुर्शिद, का दरा ये कहाना जो पक्का मुर्शिद तो हाथ पकड़ के अर्श की सैर करा देता है। अपनी चादर सर पे डाली और सर पे डालने के बाद खुसरो जमीन पे खड़े रहकर जमीन पर न थे। थोड़ी देर के बाद चादर हटाई तो फिर यारों ने पूछा खुसरो कहाँ थे? तो खुसरो कहते हैं नमी तानम से मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बाहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम परी पैकर निगारे सर्वो कत्ते लाला रुख सारे परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुख सारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम। और नतीजा निकालते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस खुदा खुद मीरे मजलिस खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। अमीनुल कादरी बता ऐसा कोई है जो चादर डालकर वहां पहुंचा दे? मैंने कहा अली उसका भी। कितने एग्जांपल दे दिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात, जिंदाबाद। अली उसका भी, अली उसका भी। नहीं, हिंदुस्तान में कैसा भी है जिसका मुखड़ा देखकर 90 लाख मुसलमान हो जाते हैं, और जो सागर को गागर में समेट लेता है उसे दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी कहती है। बताना अमीन है कोई ऐसा? मैंने कहा अली उसका भी, अली उसका भी। बहुत सारे लोग हैं ना, हिंदुस्तान से जी नहीं भरा तो अभी बगदाद तक
पहुंचा। कहा एक ऐसा भी है जो ठोकर लगाए मुर्दों को जिंदा कर देता है, एक ऐसा भी है सारे अक्ताब काबे का तवाफ करते हैं और काबा उसके घर के तवाफ के लिए आता है। अहमद रजा बरेली का बड़े मजे में कहता है, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। और क्या कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं अल्लाहु अकबर, वो ऐसा वलियों का वली है कि वलियों की गर्दन पर उसका कदम है, वलियों की गर्दन पर उसका कदम है, ठोकर लगाए मुर्दे जिंदा करे, खुदा उसे कस्मे दे के खिलाता है, कस्मे दे के पिलाता है, कस्मे दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, अल्लाह का महबूब है वो जो दुआ करे खुदा पूरी करता है। वो खुद कहता है मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तेरा होगा उसको बख्श दूंगा। बताना मीनुल कादरी है कोई अब्दुल कादिर जैसा, मैंने कहा नसब उठा के देख अली उसका भी अली उसका भी अली उसका भी अली उसका भी। नहीं नहीं, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा, एक इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत के चेहरे पे नकाब डाल के चलता था, लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, पीछे पीछे भागते थे। एक नजर देख ले, एक झलक देख ले, एक मरतबा एक मजूसी का बच्चा उन भागने वालों के पीछे भागा और कहने लगा इसके चेहरे में क्या रखा है, तुम कैसे भाग रहे हो। किसी दीवाने ने कहा तू खुद देख ले इसके चेहरे में क्या रखा है। वो भागा भागा भागा, जैसे ही नजर डाली तुम नकाब उठा तो क्या देखा, ओहो कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। मजूसी का बच्चा हो के वो 4 साल का बच्चा कहता है आज से तेरे लिए माँ छोड़ा बाप छोड़ा, माँ भी तू ही है बाप भी तू ही है और मैंने तुझे अपना माँ बाप मान लिया। तो वो सखी घराने का सखी लाल था, उसने कहा तूने मुझे माँ बाप माना, मैंने तुझे औलाद मान लिया, अपने पास रखा, पाला पोसा, बड़ा किया। जिसको बड़ा किया उसी को मारूफ करखी कहते हैं, और जिसका चेहरा देख करके जिंदगी बदल गई उसको अली रजा कहते हैं। कहो अली रजा जैसा खूबसूरत भी कोई हो सकता है, मैंने कहा वो अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली उसका भी, अली उसका भी। सुन्नियों में वली उसको कहते हैं जिसको देखो तो खुदा याद आए, खुदा याद आए, सोचो वली देखो तो खुदा याद आए। अल्लाहु अकबर, अब मैं कहने में हक बजाने हूं, अली को बेनकाब देखो, अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है, और अली बिस्तर पे शाल ओढ़ के सो जाए तो नबी याद आता है। नहीं, अब एक ऐसी भी शख्सियत याद आ गई जो इनकलाब का अजीम मुहर्रिक है, जितने भी इनकलाबी पैदा हुए उसी के नजर से पैदा हुए, उसी ने दुनिया को इनकलाब का दर्श दिया, पूरे दीन के सिस्टम को उसने अकेला बचाया, माँ की आबरू, बहन की आबरू, सौतेली माओ की आबरू, बच्चियों की आबरू उसने बचाया। कहा वो कौन है, कहा अमीनुल कादरी, वो इतना हसीन है कि उसको हुसैन कहते हैं। जब तक के उसका नाम ना आए लोगों के अंदर जोहदे मुसलसल का की तहरीक पैदा नहीं होती। वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई, तवज्जो, वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई, वो हुसैन है जिसने नाना की शरीयत को कयामत तक महफूज कर दिया, वो हुसैन है इतना हसीन है कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पे मजबूर है। हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन वो जिसे काबा सलाम करे, हुसैन वो जिसे आसमान के तारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे कुरान के पारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे सूरज की किरणें सलाम करे, हुसैन वो जिसे चांद की किरणें सलाम करे, हुसैन वो अल्लाहु अकबर जिसे मिंबर और मेहराब सलाम करे, हुसैन वो अजाने बुलंद होती है, हुसैन पाक को खिराज पेश किया जाता है, हुसैन वो पूरा मोहल्ला मोहल्ला गली गली कूचे कूचे जो कलमे के लाहूती नगमात है, इमाम हुसैन की मेहनतों की खैरात है, उहद और बद्र की
की मेहनतें जब जाय हो रही थी, उसको बचाने वाला हुसैन है। तीन पे वक्त आया, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुसैन है। कहने वाले ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दे, तवज्जो, इंसान को, इंसान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दे, तवज्जो, इंसान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दे। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा। मैंने कहा नादान अली उसका भी ऐसा है। अली जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है, अभी बात पूरी नहीं हुई, जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है, वो बाप कितना बेमिसाल हो। क्या बात, तवज्जो, तवज्जो, क्या बात, नहीं नहीं मैं बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो, जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है वो बाप कितना बेमिसाल होगा, है ना। और जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, अब बात पूरी होती है, जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, जो जितना बेमिसाल होता है वो उसी तरह के बेमिसाल इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अगर कोई कहे मुफ्ती आजम ने मुफ्ती जहांगीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी थी, तो लोग कहते हैं मुफ्ती जहांगीर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुफ्ती आजम ने हाथ बांध लिए पीछे, समझ में आया कि जहांगीर किस किस्म का आदमी है। यही बात है ना। तवज्जो, अली उसका भी बाप है, अली के बच्चे इतने बेमिसाल है कि तेरी नस्ले पाक में है। तो जरा देखो तो मौला अली, आप नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? क्या अली नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? तो कहा 2.5 साल तक अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते हैं। क्या 10 साल तक उमर इब्ने खत्ताब के पीछे पढ़ते हैं, 12 साल तक उस्मान गनी के पीछे पढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ तो हया करो, जब हमारे जैसा ऐसे वैसे के पीछे खड़ा नहीं होता, तो अली जैसा ऐसे वैसे के पीछे कैसे खड़ा। बहादुर नहीं किया करते। अगर कोई अली को तकैया बास कहता है तो वो कज़्ज़ाब झूठा अली को बुज़दिल कहता है। तेरी नजर में अली क्या है तू जान, मेरी नजर में अली जैसा बहादुर कौन हो सकता है। अली वो बहादुर है मैं कहता हूँ। आज मुसलमान इसलिए बुज़दिल हो गए कि अली की मोहब्बत जैसी होनी थी वैसे ना हुई। जिस दिन दिलों में अली बसता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा होता है, नूरुद्दीन संगी जैसा बहादुर पैदा होता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, नबी का नाम, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। आखिरी बात, इसीलिए न सिद्दीक अकबर, न उमर फारूक, न अली मौला, किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी सहाबी की गुस्ताखी, किसी की नहीं। तो भाई ये वीडियो थी इतनी जोश वाली, इतना एनर्जी था वीडियो के अंदर कि किसी के साथ इनकी बहस हुई होगी, आर्ग्यूमेंट हुआ था कि उन्होंने इतने सारे लोगों का गिनाया कि वो इतने सुंदर थे या उनमें इतनी ताकत थी। एक बंदा ऐसा था कि ठोकर मार के मुर्दे जिंदा कर देता था, एक बंदे ऐसे भी थे जो कि पूरे सागर को गागर में बदल देते, इतने पावरफुल लोग, लेकिन इनका हमेशा वही था कि अली उसका भी बाप है, क्योंकि अली मतलब एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि जो अली की रजा थी वो बड़ा सुंदर था वो, लेकिन अली तो अली है भाई। बहुत अच्छा एग्जांपल था, बहुत अच्छा लगा बहुत सुन के, मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है ऐसा अली से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग अपने कॉमेंट जरूर करके बताएंगे। इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।